पत्रकारगण एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानीय व्यक्तियों का आज स्वागत है। आज रीडेवलपमेंट पर उठाए हुए कुछ मुद्दे जो मिस्टर बालासाहेब मिर्जे नाम के व्यक्ति ने नई मुंबई में उठाए हैं, उसमें हमारे कंपनी के एक प्रोजेक्ट के को लेकर हम आज यहाँ पर स्पष्टीकरण देने के लिए एकत्रित हुए हैं। दोस्तों, मैं आपको रीडेवलपमेंट की छोटी सी पहले की कुछ घटनाओं तक लेके जाऊंगा। 2009 से लोगों ने इन सड़कों की बनाई हुई धोखादाई इमारतों पर अपनी नई बिल्डिंगें और अपना नव निर्माण घर बने इसका इंतज़ार कर रहे हैं, और ये विषय हमेशा ही नवी मुंबई के चर्चा में रहा है। बिल्डर्स फेडरेशन ने उनका साथ दिया एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने रीडेवलपमेंट की पॉलिसी नवी मुंबई में लाकर इन जानलेवा धोखादाई बिल्डिंगों में घरों को नवनिर्माण मिल सके उसके लिए अगस्त 2014 में एक नोटिफिकेशन जारी किया। बहुत सालों के इंतज़ार के बाद एक आशा की किरण जागी और उम्मीद बनी रीडेवलपमेंट की। 2014 से 2020 तक NMMC ने सभी नगर रचना विभाग एवं स्थायी समिति ने बहुत घोर अध्ययन और विचार करके रीडेवलपमेंट की प्रणाली कैसे हो ताकि लोगों पर कोई भी अन्याय न हो और लोगों को उनका घर नया मिल सके, इस पर वो प्रणाली बनाई ताकि गवर्नमेंट के निर्देश अनुसार लोगों को उनका घर मिल सके। इसके उपरांत गवर्नमेंट ने इस साल यूडीसीपीआर को पूरे महाराष्ट्र में एक सम्मान लागू किया, जो टाउन प्लानिंग का जिगार निकला जिससे और अवैध रूप से किसी प्रकार का निर्माण न हो सके इसलिए सभी एरिया को FSI में डाला, जो पहले फ्री मिला करती थी, चाहे लिफ्ट लॉबी, फ्लावर बेड, टेरेस, स्टेयरकेस, सोसाइटी ऑफिस हुआ करते थे। इससे बिल्डर को थोड़ा सा नुकसान ज़रूर हुआ, लेकिन लोगों को लीगल घर मिल सके इसके लिए बिल्डर्स एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया। 2009 से 2021 और आगे कंस्ट्रक्शन का पीरियड कितना इंतज़ार कर रहे हैं ये धोखादाई बिल्डिंगों में रहने वाले लोग ये होते हुए जुल्म, जाति और अन्याय कितना सहन करे, ये आज इस नागरिकों को, अपने आप को, पूरे शहर को जवाब देना है। मैं पूछता हूँ कोई मोल है इनके इस इंतज़ार का? कोई कीमत है इनके इस इंतज़ार की? पीढ़ियाँ निकल गई, बुढ़ापा आ गया, लेकिन इन लोगों को हर आशा की किरण जब भी मिली तब समाज सेवा के नाम पर बोलने वाले मिस्टर मिर्जे जैसे ठेकेदार, जो अपनी ही बिरादरी के दुश्मन है, उन्होंने अपने घर उनके घर बनने से वंचित रखा और अपने पॉलिटिकल पॉपुलैरिटी के लिए मुद्दों का इस्तेमाल किया। मनपा के अधिकारियों को कार्य न कर देने के लिए डराना और धमकाना शुरू किया। खुद संपूर्ण ज्ञान न रखने वाले मिस्टर मिर्जे, रीडेवलपमेंट की टिप्पणी करने वाले मिस्टर मिर्जे, ईडी और CBI की धमकी देने वाले मिस्टर मिर्जे, किसी दूसरों की बातों में आने वाले मिस्टर मिर्जे, आधा ज्ञान रखने वाले मिस्टर मिर्जे, आज हम आपसे कुछ सवाल इस मंच पर, मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर अरिहंत एवं ईवन होम्स के नाम उछालने वालों के लिए पूछते हैं। एकता और श्रद्धा सोसाइटी के अंदाज से 800 घरों में से क्या 10% भी लोगों का बहुमत है आपके पास, जिन्होंने आपसे कंप्लेन की और उनके साथ अन्याय हो रहा है, धोखाधड़ी हो रही है, उन्हें घर से बेघर किया गया, उन्हें नियमानुसार भाड़ा, ट्रांजिट कैंप वादा करके भी नहीं देने का कार्य हुआ, क्या ऐसा आपके पास 10% से भी ज़्यादा की किसी की भी कंप्लेने हैं? उन्हें अंधेरों में रखा गया और उनके साथ कोई गलत हुआ, ऐसा कंप्लेन के बाद आप जैसे दयावान और उदार लोगों ने
समाज सेवा का जो मुद्दा उठाया है इसको न्याय दिलाने के लिए उसके लिए आपको स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है। माननीय कमिश्नर साहब ने एवं नगर रचना ने सीसी में क्या इलीगल किया है? सीसी में इलीगल कुछ हो ही नहीं सकता है। मिस्टर मिर्जे, तुमने अधिकारियों को आरटीआई से परेशान किया, तभी उन्होंने स्वयं का तबादला लिया। आपको बता दें, परेशान होकर उन्होंने अपना तबादला लिया, उनको टर्मिनेट नहीं किया। एनएमएमसी ने किसी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाया गया है इन अधिकारियों पर। आप मिस्टर मिर्जे, आपके ज्ञान के लिए बता दें, सोसाइटी में गैर प्रणाली के लिए होते हुए कार्य के लिए सरकार ने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ बनाई है, आवेदन वहाँ करना चाहिए। इतना भी आपको नहीं मालूम है कि तकरार एनएमएमसी में नहीं, रजिस्ट्रार के सोसाइटी का संचालन करने वाले रेगुलेटर है, वहाँ करनी चाहिए। कितने अज्ञानी हो, कोई फाइनेंशियल लॉस, सोशल लॉस या अनहोनी अभी तक हुई नहीं है और आप सीबीआई ईडी की बातें करते हैं, कुछ समझ है आपको? मिस्टर मिर्जे, आप इस मंच पर, मैं कहता हूँ, हाँ मैं कहता हूँ, हमने सरकार से धोखादाई घरों का रेगुलेशन लाने के लिए इन गरीबों को, इनके रहते लोगों को एक अच्छा घर से वंचित, इतने सालों से रह रहे उनको अच्छा घर मिल सके, इसलिए सरकार के साथ निरंतर प्रयास किया 2009 से 2014 तक। और रीडेवलपमेंट हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री गणेश जी नाइक के आदेशों एवं निर्देशों पर 2014 में हमारी कंपनी ने तब की सरकार को इस विषय पर अवगत कराया और लोगों को, सिर्फ धोखाधड़ी लोगों को उनका नया घर मिल सके, इसके लिए रीडेवलपमेंट पॉलिसी का निर्णय कराया। एवं तत्पश्चात 2015 में श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी से लोगों की हितेशी ताई मंदाताई मात्रे के हस्तक्ष नई मुंबई के रीडेवलपमेंट की पॉलिसी पर मोहर लगाने का कार्य हुआ। और आज सन 2021 में इस क्षेत्र के शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलने वाले आदरणीय श्री उद्धव जी बालासाहेब ठाकरे की पार्टी के जनहित के बुलंद इरादों से अनगिनत अड़चनों के बावजूद आदरणीय श्री एकनाथ जी शिंदे ने रीडेवलपमेंट की पॉलिसी को सकारात्मक रूप देकर अच्छे घरों से वंचित लोगों का निर्माण कार्य शुरू हो उसके लिए मनपा के कमिश्नर एवं टाउन प्लानिंग को कोरोना के कार्यकाल में भी आदेश देकर उन पर रचना का सूर्योदय किया। मिस्टर मिर्जे, आप इन प्रदेशों के सभी प्रमुख पार्टी के धुरंधर नेता एवं पॉलिसी निर्माण करने वाले अधिकारियों के लोकहित के इरादों पर अड़चने डाली है आपने, बिना किसी ज्ञान के, बिना किसी जानकारी के। आज मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सोसाइटी के कंपाउंड में 30 अगस्त 2021 सोमवार को सुबह 10 बजे आए और सोसाइटी के उन लोगों को ले आए जिन्होंने कैमरा के सामने, मीडिया के सामने और उपस्थित करे और उनको घोटाला अनियमितता पर कंप्लेन करने के लिए उनको मौका देवे बात करने का। आज सारा मीडिया, सारा समाज और हम सब ये देखना चाहते हैं इस लोक न्यायालय के कि किन लोगों ने आपसे कंप्लेन की, क्या कंप्लेन की। आज समाज सेवी हैं आप, समाज की सेवा का आपका प्रथम धर्म है, इसलिए अनुपस्थिति न होने का कोई बहाना न करें। क्या आपको अंदेशा भी है कि निर्माण कार्य में कितना खर्च होगा? इन कुछ पहले के चरण के कुछ प्रोजेक्टों में 40 लाख स्क्वायर फीट का बांधकाम करने पर ये नवनिर्माण घर बनेंगे। 40 लाख स्क्वायर फीट बांधकाम करने के लिए 1500 करोड़ रुपए की लागत लगेगी, 1500 रुपए नहीं। क्या इतना पैसा ये धोखाधड़ी घर में रहने वाले खुद ला सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं ला सकते हैं। इसीलिए व्यवसाय में बिल्डर ही इतने पैसे का प्रोजेक्ट लाने के सक्षम है। और शब्दों पर ध्यान दें, 1500 करोड़ इन्वेस्ट करने में नहीं सक्षम है, 1500 करोड़ ग्राहकों से लेके आने में सक्षम है। और आप मीडिया पर आकर उन नए घरों की बिक्री लेने वाले लोगों को डराना चाहते हैं? मैं कहता हूँ आप नहीं डरा सकते। वो समझदार हैं, वो शिक्षित है, उन्हें पता है ऐसे में बाधाएं डालने वाले आप जैसे बिना अध्ययन किए अपनी वोट बैंक के लिए, छवि के लिए न्याय का पाखंड रचते हैं। मैं कहता हूं आपसे, मीडिया के प्रसारण से हमारा मनोबल और भी ऊंचा हुआ है, हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। न्याय अपना रास्ता हमेशा लेगा
और अंत में विजय सत्य की होगी। आज सरकारी अफसरों को डरा रहे हो आप, कोई कल अधिकारी रीडेवलपमेंट की नई सीसीओ पर काम नहीं करेगा, हस्ताक्षर नहीं करेगा। एवं अगर अन्याय हो रहा है तो न्यायालय में जाओ, सिर्फ मीडिया में मुद्दों को उछालकर किसी बिल्डर की छवि को धराशायी मत करो। नहीं होने वाली हमारी छवि खराब। आप कोपरकहना में रहते हैं, आपको सेक्टर 9 वासी के लोगों की क्या दशा है कैसे पता? आपके स्वयं के निर्णय के कारण संपूर्ण भारत में पसंदीदा आदरणीय श्री रामदास जी आठवले की पार्टी की छवि पर ठेस लग रही है। उनके विचारों के विपरीत उनसे चर्चा न करते हुए आपने इन जनहित के विषयों को मुद्दा बनाया, स्कैम का नाम दिया। मेरा अनुरोध है श्री आठवले जी से, पार्टी के ऐसे सदस्यों को पार्टी से निष्कासित किया दिया जाना चाहिए एवं सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मिस्टर मिर्जे, पार्टी का सदस्य बनते वक्त वह शपथ विधि याद भी है आपको कि मैं पार्टी के संविधान एवं विचारों का उल्लंघन नहीं करूंगा। मिस्टर मिर्जे, आपने गलत काम किया है एवं आपने इन गरीबों से माफ़ी मांगनी होगी। हेमंत ठाकुर जैसे सभी अधिकारियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी जिन पर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आज सिद्ध करें इन बातों को। अगर आपकी इस बेबुनियाद बातों को आप प्रूव नहीं कर सकते हैं तो आपकी मंशाओं पर सर्वसामान्य जनता को शक होगा। मैं फिर से सारे मार्केट से, सारे नई मुंबई के रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों से कहना चाहता हूं कि ऐसे बहकावे में न आवे। आज इतनी कोशिशों के बाद, इतने प्रयासों के बाद, आज इतने 30 सालों के बाद पहली बार सीसी आई है और इस सीसी के ऊपर आप रोक लगाना चाहते हैं। क्या सीसी के ऊपर रोक लगाने से आपको लगता है कि कोई अनियमितता हुई है उसका निवारण हो सकता है? नहीं हो सकता। उसके लिए अगर अनियमितता है तो उसके लिए ऑडिट की जा सकती है, अच्छी सॉलिसिटर फर्म से ऑडिट की जा सकती है, नॉलेजेबल KPMG ENY जैसे संस्थाओं से ऑडिट की जा सकती है। हमारी सारे कागज, हमारे सारे पेपर्स रेरा के अंदर ऑलरेडी अपलोडेड है। रेरा आज वो रेगुलेटर अथॉरिटी है जहाँ पर निर्माण कार्य के लिए जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आज पब्लिक डोमेन पर है। वहाँ पर आज कोई भी नया डॉक्यूमेंट अब नहीं है जो बनाना बाकी रहा होगा। लोगों को रेरा फुल तरीके से प्रोटेक्ट करता है। आज इन सब के लिए अगर आने वाले टाइम में अगर पुराने घर खाली करके नया घर बनाने का कार्य नहीं शुरू होता है, और जैसा आपने कुछ समय पहले देखा था कि कोई दो तीन दिन पहले समय में एक टंकी गिरने का न्यूज़ आई थी, वैसे अगर किसी का घर कोलैप्स होता है, किसी के जीवन को हानि पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है CM साहब से, गार्जियन एकनाथ शिंदे साहब से और हमारे गणेश जी नाइक साहब से कि ऐसी CCO को कैंसिल करने के लिए के पर रोक लगाएं। ऐसे इसका इरेपरेबल बहुत ही बड़ा कैंसिल करने से बहुत ही लॉस होगा। दहशत और डर में कौन आएगा इन काम कर ऐसे सिचुएशन में काम करने के लिए? आज हम इस दहशत में और इस डर से कोई काम नहीं कर पाएंगे। मैं कहाँ जाऊँ मुझे नहीं पता। मैं परेशान हूँ इस परिस्थिति से जो लास्ट 1.5 महीने से मिस्टर मिर्जे ने सोशल मीडिया पे ऊपर उछाली है। दादा श्री गणेश जी नाइक, आपके शहर में आपके रहते ऐसा हो रहा है, हम काम करें तो कैसे करें? इस डर के बाद नवी मुंबई में और महाराष्ट्र में इन्वेस्ट करने कौन आएगा? मेरा सभी से अनुरोध है कि बिल्डर फेटर्निटी एवं व्यवसाय को आप होने वाले इसमें साथ देवें और इन मनगढ़ंत बेबुनियाद बातों को पर रोक लगाएं। आज मिस्टर मिर्जे आप कंटिन्यूसली प्रेशराइज कर रहे हैं नवी मुंबई कॉरपोरेशन में जाके कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, कार क्यों नहीं हो रहा है। तो आप लोगों से मिले और देखें कि भाई जो कार्य आज CC होने के बाद 6-7 महीने हो गए हैं, अब जाके जब उसका शुरुआत होने का बारिश के बाद में जब समय आ रहा है तो आप उन लोगों के और उनके घर के बीच में एक दीवार बन के खड़े हो। आप ऐसा कार्य ना करें, यही आपसे विनती भी है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मीडिया में आके
सारे शहर के सभी निवासियों तक उन्होंने अपनी बात को पहुंचाई है, और हम भी वही स्पष्टीकरण उन सभी लोगों को वापस करना चाहते हैं कि भाई आप देखें इस बातों में ना आवे। अदालत का दरवाज़ा हम खटखटावे उसके लिए हमें अभी तक इस टाइप का कोई भी कारण या मुद्दा नहीं मिला है जिसके ऊपर हमको उन्हें जाना पड़े, और ज़रूरत पड़ी अगर इस टाइप का कोई भी सरकार की तरफ से प्रोजेक्ट के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर कोई हानि रहेगी तो हम ज़रूर जाएंगे। अगर कोई पर्टिकुलर एविडेंस के साथ रहा, अगर उसमें कोई बहुत बड़ा तथ्य रहा तो ज़रूर उसके ऊपर केस करेंगे। मुझे एक पॉइंट कहना है, आई एम द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड रिप्रेजेंटिंग ऑल द एसोसिएशन मेंबर्स। एज फार एज योर क्वेश्चन आपने जो पूछा, द आंसर इज यू शुड बी आस्किंग दिस क्वेश्चन, अभी तक अगर कुछ इलीगल हुआ है व्हाई हैज़न्ट मिस्टर मिर्जे गॉन टू कोर्ट, दैट इज द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग। व्हाई हैज़ ही कम बिफोर द मीडिया? A proper RTI activist who is a legitimate RTI activist, he always goes to the court. Pehla wo court jaate hai, agar there is something wrong, kuch illegal hai documentation mein, he does not go to NMMC or comes to the developer, goes to the press and media. He goes to the honorable court. So it is his duty, he should have gone to the court. Obviously, we know that there is nothing, he has no documentation, he has no proof of anything. So iske liye wo court ja nahi sakta hai, he has come to the media. So the question, he should go to the court. We are not going to any court or going to go to for any legal forum. Up till now, हमारे को ऐसा कुछ ground नहीं मिला। हम उसने media में आके अपना कुछ तो comments किया, तो Mr. Chhajer, as he is the developer in one or two of the projects, he has come before the same media. We see no ground to go before the court up till now. As and when जब भी ground arise होगा, then at the appropriate time we will take a proper decision and then approach the honorable court. We'll take a decision. जब भी time आएगा तभी decision लेगा। फिलहाल हमको नहीं, अभी we don't want to go to court. नहीं, उन्होंने हमसे कभी भी कोई संपर्क नहीं किया। सोसाइटी के मेंबर नहीं है, और वो क्यों कर रहे हैं इसका जवाब वो स्वयं ही दे सकते हैं। यही तो सवाल हम भी पूछना चाहते हैं उनको कि आप क्यों ये कर रहे हो, क्यों इन लोगों के बीच में आ रहे हो जिन्होंने 30 साल तक इंतजार किया। आपके पास 10% भी बहुमत नहीं है या उससे भी कम उन लोगों को लेके आए सामने। 4 या 5 जने किसी के भी दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि सोसाइटियां छोटी नहीं हैं। सोसाइटियां 600-600, 800-800 घरों की है, तो जब 2000 घरों में से आपके पास गिन के 100 लोग भी नहीं हैं, और हाईकोर्ट के तहत रेगुलेशन रीडेवलपमेंट के तहत बहुत क्लियर है कि 51% से ऊपर भी हो तो हाईकोर्ट ने भी निर्देश दिए कि रीडेवलपमेंट होना चाहिए, और जब आपके हमारे पास 90% कंसेंट है, 90 से भी ज़्यादा की कंसेंट है, तो फिर आप कुछ लोगों के लिए ये मुद्दा इतने पैमाने पर उछालने की जगह पे आपने ये स्पष्टीकरण मांगने के लिए कभी सोसाइटी के पास खुद क्यों नहीं आए? आप किसी व्यक्ति किसी मेंबर के तहत भी आ सकते थे। आपके लिए इस मीडिया में जाना ज़रूरी क्यों हुआ? लोगों के लिए कौन सा वो न्याय करना चाहते हैं, कौन सा वो कुछ लोगों के लिए जो बोल रहे हैं कि कोई उनके साथ धोखा हुआ है, उनके साथ धांधली हुई है, उनके अधिकारों का कोई गबन हुआ है, वो उनको सिद्ध करना होगा कि किन लोगों के अधिकारों का सिद्ध हुआ है। सोसाइटी में रहने वाले जूने घर के अंदर के किस मेंबरों का और कितने मेंबरों का। आज तक हम इस शहर में अनगिनत प्रोजेक्ट करते आए हैं, और जैसे एक साइन बोर्ड होता है, जाहिरात एक अलग सब्जेक्ट है जिसको एडवर्टाइजिंग बोर्ड बोलते हैं, लेकिन अगर आप जहाँ पे रह रहे हैं, क्या उस बिल्डिंग के ऊपर कोई नाम नहीं है? अगर नाम नहीं होगा तो कोई आने वाला आदमी एड्रेस कैसे ढूंढेगा? कोई आने वाले टाइम में काम होने पे ऊपर सामान और ट्रकें आने वाले उस जगह को कैसे ढूंढेगी? लोगों को आने के लिए उस जगह का कोई ना कोई उसका एड्रेस होना ज़रूरी है, और हमने वही एड्रेसेस वगैरह लगाए हैं, और आने वाले टाइम में जो नियमानुसार ज़रूरी है वो सारे कार्य करेंगे, और वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उस बोर्ड के ऊपर भी लगाएंगे। जैसा सीसी का नंबर होता है, वो सब कुछ लगाना होता है, तो अब वो भी सब चीज़ें लगाई जाएगी। वो उन्होंने हमारे समक्ष रखना पड़ेगा, या फिर उन्होंने अधिकारियों के समक्ष रखना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म पर उनको लगता है कि उस चीज़ का सही ऑडिट हो सकती है। वो कोई भी टाइप का डॉक्यूमेंट नहीं रख पा रहे हैं, वो कोई भी टाइप का ठोस सबूत नहीं ले आ पा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यक्तित्व रख रहे हैं, तो व्यक्तित्व को कितना रखा जाए? देखिए, मैंने पूरा रीडेवलपमेंट मी एंड एडवोकेट अभिनय प्रोसेस, हम लोग ने सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया, सो ईच एंड एवरी प्रोसेस एंड प्रोसीजर हैज़ बीन फॉलोड फ्रॉम द बिगनिंग टिल डेट। यू सी हिज मेथड, ही हैज़ फर्स्ट स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ रीडेवलपमेंट, उसको टारगेट किया, उसको कुछ नहीं मिला, देन ही स्टार्टेड टारगेटिंग सम अदर कंसेंट्स। अभी हमारे पास 648 एक प्रोजेक्ट में और दूसरा प्रोजेक्ट में 432 मेंबर्स आर रिजाइडिंग।
उसमें चार या पांच मेंबर लोग ने जो कंसेंट रहता है फर्स्ट पेज पे दे हैव फॉरगॉटन टू साइन, ओल्ड मेंबर्स थे उन लोग ने सेकंड पेज पे साइन किया, ये पकड़ के ही हैज गॉन एंड सेइंग ये फॉर्जरी है क्योंकि फर्स्ट पेज पे साइन नहीं किया। उसके बाद हमने जाके वो मेंबर को बोले, उन लोग ने फिर लेटर लिखा एनएमएमसी को, करेक्ट, लेटर लिख के क्लैरिफिकेशन दिया कि हमने एक बाय मिस्टेक फर्स्ट पेज पे साइन नहीं किया, हम साइन करके वापस आपको फ्रेश, यही यह था चार या पांच एफिडेविट जो भी, वो भी रेक्टिफाई हो गया, अभी उधर भी खत्म हो गया उसका खेल। नाउ ही इज टारगेटिंग द एडवर्टाइजिंग बोर्ड, आप भी देखो फ्रॉम द प्रोसेस ही स्टार्टेड एंड नाउ ही हैज रीच द एडवर्टाइजिंग बोर्ड, एक छोटा सा चीज दैट ही इज टारगेटिंग, बाकी और है नहीं उसके पास, देयर इज नो द मेन प्रोसेस प्रोसीजर जो भी AGM, SGMs, everything is perfect, all documentation is perfect. Many RTI activists have come, they have tried, they have found out there is nothing wrong over here. उसके पास कुछ evidence हो, अगर है तो जाइए ना court में. He should go to the court. अभी तक गया नहीं. As per legal, I will give you the legal position. As per legal position, once consent is given, that consent is binding on the people, be it 10 years, be it 15 years, be it 20 years. Just because the process, the DCRS changed or that, it's a consent for redevelopment. जो 2013 में आपने दिया, अभी भी वो ही valid है, उसका format change हो गया. UDCPR आने के बाद एक नया format NMMC ने दिया, वो format में अभी हमको देना है. But the consent जो 2013 में आपने दिया redevelopment का, High Court, Supreme Court has said, once consent is given, there are umpteen number of decisions, you cannot take it back. Because आपने जो decision दिया, कंसेंट दिया, उस कंसेंट के ऊपर सोसाइटी ने काफ़ी पैसा खर्चा करके पूरा प्रोसीजर करके हम रिडेवलपमेंट स्टेज पे आए वो कंसेंट लेके, अभी आप बाद में आप नहीं बोल सकते कि मैं वो कंसेंट नहीं दे रहा हूँ वापस ले रहा हूँ। सो सुप्रीम कोर्ट हैज वेरी क्लियरली सेड अम्प्टी नंबर ऑफ डिसीजंस आते, आपने एक बार कंसेंट दिया, दैट कंसेंट इज वैलिड एंड बाइंडिंग एंड देर आर नो जजमेंट्स टू द कॉन्ट्ररी ऑफ दैट। तो वट एवर मिस्टर मिर्जे हुएवर इज सेइंग दैट ऐसा कंसेंट वापस ले, दैट इज टोटली इलीगल स्टेटमेंट, इट इज नॉट राइट इन लॉ। इस टाइप का कोई भी एप्लीकेशन या ऑब्जेक्शन हमारी सोसाइटी में या हम तक नहीं आया है। ये हमारा पर्सनल निर्णय रहेगा इंटरनली बोर्ड का, और बोर्ड जो डिसाइड करेगा उसके हिसाब से हम उसका आने वाले टाइम में कोई स्टेप्स लेंगे। अरिहंत ने नहीं किया है। सर एक छोटा सा सवाल करना चाहेंगे आपसे, सर जैसा कि आपने जहां की प्रतिनिधि महापालिका आयुक्त ना तुमच्या या घटनाक्रमाबाबत की याच्यामध्ये घोटाळा झाला किंवा लोकांची फसवणूक झाली आहे, ते नगररचना विभागाने एक हिअरिंग लावली होती, तसं काही पत्र मिळालं होतं का तुम्हाला आयुक्तांच्या दालनामध्ये ती हिअरिंग होती? एज एन बिल्डर आम्हाला काही मिळालं नाही। ऐसी कोई भी हियरिंग नहीं हुई, ऐसा एक उनकी तरफ से लेटर आया था कि हमारे को फला फला मिस्टर मिर्जे का, ये बाला साहेब मिर्जे का एक लेटर आया, उन्होंने ये क्वेरीज निकाला है, बट उसके ऊपर कोई हियरिंग नहीं हुई। और सोसाइटी की तरफ से हमने उसका आंसर भी कर दिया, बिकॉज सोसाइटी के हिसाब से हमें एनएमएमसी को आंसर देना है, हमारे मेंबर्स को आंसर देना है, और हमने वो सारे आंसर्स दिए। सोसाइटी हैज कंप्लाइड विद ऑल द कंप्लायंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एज एंड व्हेन बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज रिलेटेड टू द रीडेवलपमेंट प्रोसीजर्स। ये उनका पर्सनल व्यक्तित्व है। सर एक बार जानना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि मिर्जे जो है वो गलत काम कर रहा है, गलत है उसके सारे आरोप, गलत व्यक्ति के आरोप को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बता रहे हैं कि वो अगला व्यक्ति गलत है, तो आप सही कर रहे हैं क्या? सच को जमाने के सामने आप बताने के लिए, गलत आदमी को बताने के लिए आप खड़े हो गए। न्यायालय में जहां भी जरूरत होगा हम हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है और हमको पूरा ध्यान है कि हमारे यहाँ पे कोई भी अनियमितता नहीं है। एडवोकेट, एज पर यूडीसीपीआर सर सैंपल फ्लैट बनाने के लिए किसी भी तरीके की परवानगी की जरूरत नहीं है, वो चीज़ बाद में पालिका के भी ध्यान में आ गई है, तो वो इश्यू अब सर खत्म हो गए। हाँ सर, वो हमने उनको एप्लीकेशन जब भी दिया तो उनकी तरफ से बाद में बताया गया कि इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है, वो मिस्टेकनली हुआ। वो अपना अपना प्रयास पूरा कर सकते हैं,
और मिस्टर मिर्जे अपना प्रयास पूरा कर सकते हैं, बट उनको ठोस कागजों के साथ और नियमों को पालन करते हुए जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे उनका अगर नियम अनियमितता रहेगी तो अनियमितता के लिए जो रिक्वायर्ड अधिकारी है या डिपार्टमेंट है वो उसका डिसीजन लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए मनपा के कमिश्नर या टाउन प्लानिंग ऑफिस नहीं जिम्मेदार होते हैं, सोसाइटीज़ के अनियमितता या प्रोसीजर्स के लिए रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ है और उस रेगुलेटर के पास किसी भी कंप्लेन वाले को जाना चाहिए। तो सर ये मान के चलो जीत आपके निश्चित है, आपके पेपर सारे अच्छे हैं, आपका काम नहीं रुकेगा। हमें पूरा विश्वास है हमारे पर। मिर्जे अगर आपने जो बता रहे कि मिर्जे बार बार आपको ऑब्जेक्शन ले रहे हैं आपके हर एक पूरे प्रणाली के ऊपर, वो गणेश नाइक जी के साथ में कल गए थे उनके कमिश्नर को मिलने के लिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, तो इसमें गणेश दादा मैं दादा को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। दादा बहुत ही चीज़ों को जहाँ पे जरूरत होती है खुद समझने के लिए गए, उन्होंने अपना कोई निर्णय नहीं दिया है। नहीं आम्हाला या संदर्भात काही जानकारी नाही की त्यांनी भेट घेऊन काही सांगितलं कमिश्नर साहेबांच्या सोबत, आमच्याकडे याची जानकारी नाही। आमचा ऑब्जेक्शन खाली मिर्जेच्या बरोबर आहे, ज्यांनी सोशल मीडियावर आणि ज्यांनी पुढारी घेऊन या विषयावर चौकशी करायला सांगितली आहे। माझ्याकडे त्याचा कमेंट नाही। आम्हाला सोसायटीच्या मेंबरची संमती पाहिजे। हमारे पास हमारे लोगों जो सोसाइटी के मेंबर्स है उनकी सहमति है और उससे ज़्यादा किसी की सहमति की जरूरत नहीं। कोई भी इंडिविजुअल अपने खुद के बलबूते पे भी बात कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई राजकीय नेता उसको या कोई पार्टी उसको साथ देवे, और हमारे पास ऐसा कोई भी समाचार नहीं है। वो तो पार्टी के वर्किंग कमेटी को निर्णय लेना है। आपने खुद जाके मांग की है क्या इसके, यहाँ से खाली मांग कर रहे हैं आप रामदास जी आठवले से मिलने वाले आने वाले समय में? बिल्कुल हम मिलेंगे उनसे भी, इस तरह के समाज कंटक आने वाले समय में मिलेंगे उनसे भी। रेरा रजिस्ट्रेशन में कोई 2028 तक का पीरियड दिया गया है, बट आज मुद्दा ये नहीं है कि हमारे और सोसाइटी के बीच में और आपस में कोई क्या चीज़ें तय हुई है क्या नहीं हुई है। आज मुद्दा ये है कि रीडेवलपमेंट बनते हुए कार्यों को रोकने का जो प्रयास कर रहे हैं और लोगों को उनके घर से वंचित रखने का जो काम कर रहे हैं और व्यापारी वर्ग को जो डराने का काम कर रहे हैं, जो उनके किए हुए वादों जो सोसाइटी को है उनको वादों को पूरा नहीं करने के लिए जो कार्य हो रहा है, उस चीज़ को आज जन के सारे जनता के सामने उस चीज़ को आना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए हम पूरी मीडिया से साथ मांगते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि हम जब भी विचार बनाएंगे तो बहुत डिटेल्ड तैयारी के बाद में विचार बनाएंगे उनसे मिलने का। आपने वीडियो में खुद ही देखा होगा जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, शायद उसी से आप जानकारी ले सकते हैं। भाई।
सर बताएं कि क्या मुद्दा है कि मुद्दों को लेकर आज पत्रकारों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। हम ये बात बताना चाहते हैं कि रीडेवलपमेंट की प्रणाली में कोई भी टाइप की अनियमितता नहीं हुई है और रीडेवलपमेंट के सारे प्रोसीजर्स को बहुत सरकार के जो बनाए हुए प्रोसीजर्स है उसको कंप्लीट करके ही सीसी ली गई है। इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई ना घोटाला है ना स्कैम है। सर बताएं क्या हो जाएगी, कुछ नेता आपके पीछे पड़ गए, वजह क्या है? मैंने कभी नहीं कहा कि कोई नेता हमारे पीछे पड़ गए। आपके नाम को लेकर जैसे कहा कि सोशल मीडिया पर ये बात उड़ाई गई है जिसकी वजह से आपकी प्रोजेक्ट की जो है ना रुकावट आ गई है उसमें और आपकी बेइज्जती हो रही समाज पे। हाँ तो क्या उसके खिलाफ आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? इसके ऊपर समय आने पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा। सोशल मीडियावर जे एक व्हिडिओ त्यांनी पाठवलं आणि या संदर्भात त्यांनी आमचं नाव घेतलं आणि सांगितलं की हमने जो रीडेवलपमेंट का काम लिया है वो गैर कानूनन है या उसके प्रोसीजर्स नहीं है, उसके लिए उनको ये जवाब दे रहे हैं। वक्त आने पर हम इसका निर्णय लेंगे। उसके लिए ऑडिट कमेटी बिठाई जा सकती है, सीसी कैंसिल करके नहीं बट ऑडिट कमेटी बिठाई जा सकती है। आरोप जब तक कोई बात सिद्ध नहीं हो जाती है वो सिर्फ एक बात है, वो कोई मुद्दा नहीं है। हम हमारी तरफ से सभी पेपर्स आने वाले टाइम में सबमिट करेंगे और जो भी काम आने वाले टाइम में करेंगे वो सारे कंप्लायंसेस के साथ करेंगे। पालिका से एज एन बिल्डर हमारे पास कोई भी पत्र नहीं मिला है। ये एग्रीमेंट बिटवीन हम सोसाइटी का और हमारा है, इस आज के इस मुद्दे को लेकर उसका स्पष्टीकरण करना ज़रूरी नहीं है। और एरा रजिस्ट्रेशन में सारी चीज़ें पब्लिक डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है, जो लोगों को भी घर मिलने वाला है उसको भी रेरा में रजिस्टर किया गया है, आप वहाँ पर रेरा में सारे डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। तो क्या गलत है, 1500 करोड़ रुपया लोगों से ग्राहकों से लाने के बाद किसी का घर बनेगा? कोई अपने घर से नहीं बनाएगा। तो 1500 करोड़ रुपये का काम अगर 4 प्रोजेक्ट बन के करना है तो एडवर्टाइजिंग करना कौन सी दुनिया का गलत काम है? हमारे रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हमने एडवर्टाइजिंग की है और हम रेरा रेगुलेटर के हिसाब से आफ्टर रेरा रजिस्ट्रेशन के बाद में हमारे पास अधिकार है सीसी मिलने के बाद में कि उसको मार्केटिंग करे, उसको बेचे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, जान को खतरा हो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सर मिर्जे इन्होंने डायरेक्ट सीबीआई की बात की है, आयुक्त की क्या कहेंगे आपके बोलने के लिए? उन्होंने खाली किसी और जन के लोगों को सबको बात की है, जरूरी नहीं है कि सरकार के इतने सारे डिपार्टमेंट के अंदर लाखों पत्र आते होंगे, उसके ऊपर अगर निर्णय लेना है या कार्रवाई करनी है तो वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट करेगा, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सोचेगा। मेरे ख्याल से न्यायालय उसमें किसी को जिम्मेदार ठहराएगा कि कौन उसका दोषी है, मैं नहीं। सर आज शाम को 6 बजे खादर में रामदास अठावले जी है का, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? मेरे उनसे कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिली है, अवेलेबल है अधिकारियों के पास और जो भी ज़रूरत पड़ेगी हम सारे कंप्लायंसेस टाइम पे करेंगे। और यही बात जो आपने की कि हाँ वाकई अगर सीसी कैंसिल होती है, अगर रीडेवलपमेंट का प्रोसीजर में विलंब होता है तो नुकसान आम जनता का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वो लोग इतने सालों से 30 सालों से इंतज़ार करते रहे हैं और इन्हीं को घर मिले इसका उन्होंने हमेशा
सभी नेताओं को और अपने लोकप्रिय नेताओं को उन्होंने निवेदन किया और उन्हें और सभी लोक नेताओं ने इस बात को लोगों के हित के लिए उस विचारों को आगे लेके गए और उन्होंने उनके लिए ये प्रणाली स्थित की कि उनका नवनिर्माण घर कैसे बन सके। तो जो दायित्व लोक नेता का होता है वो लोक नेताओं ने हमेशा अपना अपना निभाया है। कोई भय का निवारण नहीं है लोगों में, लोग जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको उनका पूरा बहुमत है हमारे साथ, उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर रीडेवलपमेंट में घर बेघर घर से बाहर निकाला जाएगा तो अरियंत उनको वापस उनका नया घर जरूर देगा। सिंपल सी बात है कि जो लोगों ने उनसे एप्लीकेशन दी होगी या जिनकी बातें उन तक पहुंची होगी, क्योंकि ये कोई बात अदर देन उस कंपाउंड में रहने वाले लोगों के लिए तो है ही नहीं, वो तो अगर अन्याय है तो वहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर ही अन्याय है। तो मिस्टर मिर्जे उन लोगों को समक्ष लेके आए, उस कंपाउंड में लेके आवे, उस समक्ष लेके आवे और कैमरा और मीडिया के सामने बताएं कि भाई इन लोगों को ये ऑब्जेक्शन है, न कि किसी के आवेदन पत्र पे ऊपर, न किसी की बातों में आकर। अरियंत एक बहुत ही सम्मानित और लीडिंग डेवलपर है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके ऊपर लगाया हुआ कोई भी छोटा आक्षेप होवे वो उसका स्पष्टीकरण देवे। सारे प्रोसीजर्स के बाद बहुत ही जल्द से जल्द शुरू होगा। दादा का आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है, जिंदगी भर रहा है, दादा हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखे हैं और हमेशा रहेगा। न्याय अपना रूप अपना रास्ता खुद अपनाएगा। किसी ने भी नहीं, किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी नागरिक ने या किसी भी नई मुंबई में न रहते हुए व्यक्ति ने भी हमारे सामने कोई भी डिमांड नहीं रखी है, न कि कोई और ऑडिट कमेटी की जो रिपोर्ट रहेगी वो पत्रकारों को, मीडिया को एज वेल एज सारे जन के लिए अवेलेबल रहेगी। आजीवन एडमिट होती है, वो सम्मति का टाइटल ही होता है इररिवोकेबल कंसेंट, मुझे ना बदलना रहे सम्मति पत्र, वो एक बार अगर दे दिया तो वो हमेशा ही रहता है एज पर द गवर्नमेंट गाइड मिनिमम। कहा था कि फर्स्ट पेज पे जो साइन करना था वो कुछ लोग नहीं किए, उन्होंने सेकंड पेज पे किया और उसी लिए ये बवाल उठा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा वो मुद्दा नहीं है, सारे कागज अपनी जगह पे संपूर्ण बराबर राइट है। हाईकोर्ट की तरफ से 51% एंड अबव अगर है तो रीडेवलपमेंट किया जा सकता है और हमारे पास 51 नहीं उससे भी बहुत बड़ा बहुमत है। थैंक यू। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।